जब मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक दवाई का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब कोई भी सिंपल से बीमारी के लिए काढ़ा ही दिया जाता था और ये काढ़ा एंटीबायोटिक जितना ही इफेक्टिव होता है। इमरजेंसी में काढ़ा बनाना बेस्ट है क्योंकि कोई भी काढ़ा बनाने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो इजीली घर में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हल्दी, तुलसी, अदरक, हनी वगैरह। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे ऐसे ही कुछ काढ़े जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं और आपको इस बारिश के सीजन में होने वाले इन्फेक्शन से दूर रखेंगे। लेकिन आप शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब देखते हैं कुछ काढ़ा और उसके रेसिपीज। तुलसी एंड ब्लैक पेपर काढ़ा रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स: 2 कप पानी, 1 टीस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून क्रश की हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक, 1 टीस्पून देसी घी, थोड़े तुलसी के पत्ते, 1-2 लौंग। और इसकी प्रोसीजर: पानी में घी गरम करके उसमें लौंग, काली मिर्च, अदरक और तुलसी के पत्ते ऐड करें। स्पाइसेस घी में क्रैकल होना स्टॉप हो जाए तब उसमें पानी और शुगर ऐड करें। इस मिक्सचर को 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रखें और बीच बीच में स्टर करें। हो गया काढ़ा रेडी। इस काढ़े को गर्म ही पिए दिन में 2 बार। कश्यप काढ़ा: ये काढ़ा बारिश के वक्त होने वाले साइनसिस को क्लियर करता है और इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। देखते हैं इस काढ़े को बनाते कैसे हैं। इंग्रेडिएंट्स: रोस्टेड धनिया बीज, जीरा, सौंफ के बीज, काली मिर्च। प्रोसीजर: सारे स्पाइसेस को मिक्सचर में ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाइए और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। गर्म पानी में 1 टीस्पून ये स्पाइसेस पाउडर ऐड करें थोड़े से गुड़ के साथ। फिर इस ड्रिंक को स्ट्रेन करके पिए। जिंजर, लेमन और हनी काढ़ा। इंग्रेडिएंट्स: जिंजर जूस 1 टेबलस्पून, हनी 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1/2 टेबलस्पून। प्रोसीजर: जिंजर जूस में हनी और लेमन जूस ऐड करें और हनी पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए तब तक स्टर करें। इस काढ़े को आप दिन में 1 बार गर्म पानी के साथ पिए और इस काढ़े को आप फ्रिज में 2 वीक तक रख सकते हैं एयर टाइट जार में भर के। होली बेजिल एंड क्लोव काढ़ा। इंग्रेडिएंट्स: 10 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग और 1.5 कप पानी। प्रोसीजर: पानी में तुलसी के पत्ते और लौंग को घाट कर आधा होने तक बॉईल करें। इस काढ़े को गर्म ही पिए दिन में 2 बार और जरूरत हो तो थोड़ा नमक ऐड करें। इस काढ़े को बनाने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। तो ये थे बारिश के सीजन में इन्फेक्शन से दूर रहने वाले काढ़े जो घर में आसानी से बन सकते हैं। आप इसे पीकर बारिश में हेल्दी रहे और साथ में बारिश के मजे भी लें। आपके क्या व्यूज है इस वीडियो पे हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।